नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। क्राफ्ट्स करना मेरा पैशन है। मैंने क्लासेस भी लिए हैं, एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसमें मैं बनाऊंगी एक वॉल क्लॉक जो जिसका बेस मेरे पास रेडी है। ये MDF का बेस होता है जो आपको मार्केट में या ऑनलाइन कहीं पे भी मिल सकता है। उसमें मैं मिक्स्ड मीडिया आर्ट करूँगी। अंदर के पोर्शन पे मैं डिकूपेज करूँगी, बाहर में मैं स्टेंसिल आर्ट करूँगी। डिकूपेज की सारी चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें एक डिकूपेज पेपर चाहिए होगा। आपको पेंट्स कलर्स चाहिए होंगे, तो आप एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ, कुछ एक्रिलिक पेंट्स भी यूज़ करूँगी। डिकूपेज ग्लू चाहिए होगा, एक वार्निश चाहिए होगा। बाहर के पोर्शन में मैं स्टेंसिल आर्ट करूँगी, तो टेक्सचर पेस से। तो ये मेरे पास स्टेंसिल्स हैं, कुछ पैले नाइफ और ये टेक्सचर पेस्ट है, मिक्स्ड मीडिया पेस्ट। इसके अलावा हमें कुछ डैबर्स चाहिए होंगे, फ्लैट ब्रश चाहिए होगा और सैंड पेपर। अब शुरू करते हैं हम अपना डिकूपेज। उसके लिए पहले हमें अपना एक एरिया डिसाइड करना होगा कि हमें किस पोर्शन में इसको लगाना है। तो पहले हम अपने टिश्यू को उस हिसाब से कट कर लेंगे कि हम इस बेस को वाइट कलर करेंगे। तो मेरे पास ये चॉक पेंट वाला वाइट कलर है। हमें सिर्फ पूरा एरिया कवर करना है ताकि एक वाइट लेयर हो जाए, एंड जब फिर हम उस पर डिकूपेज करें तो उसका जो प्रिंट है डिकूपेज पेपर का, बहुत अच्छे से उभर के आए। ये पूरा रेडी हो गया है। मैं ये बड़े वाले बेस पे लैवेंडर कलर डैब करके उसको पेंट करके रख दूँगी। सेम वे मैंने चॉक पेंट यूज़ किया है। चॉक पेंट से इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब देखिए, इसको मैंने पूरा लैवेंडर कलर करके पूरे अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। अपना ये छोटा सर्कल जिस पे हमने वाइट बेस किया था पूरी तरह सूख चुका है, तो अब ये डिकूपेज के लिए रेडी हो गया है। तो अपना डिकूपेज पेपर भी कटा हुआ है। अब हम इसे डिकूपेज करेंगे यूजिंग दिस डिकूपेज ग्लू। तो जब हम टिश्यू यूज़ करते हैं डिकूपेज टिश्यू, तो ऐसे थोड़ा सा ग्लू लगा के हमें नैपकिन के पीछे वाले पेपर्स निकालने हो। पहला वाला हिस्सा ही यूज़ होता है, एकदम पतला सा। किसी नैपकिन में टू पीसेस रहते हैं, किसी में एक, तो हमें देख के उसे निकालना पड़ेगा। एक प्लास्टिक शीट यूज़ करेंगे ताकि हमारी क्रीज ना रहे कहीं पे, और एक एक हिस्सा करके हम उसको डिकूपेज करना शुरू करेंगे। एंड ये शीट रख के उसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ का स्ट्रोक्स रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है ना, अंदर से सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे, तो जब डिकूपेज होगा तो वो बहुत अच्छा स्मूथ फिनिश होगा, उसमें क्रीज नहीं आएंगे। अभी अच्छे से डिकूपेज हो चुका है, तो हम ऊपर से भी एक लेयर ग्लू का लगा देंगे एंड उसको अच्छे से सील कर देंगे। तो स्ट्रोक्स हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। अभी इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। हम बाहर वाला बेस रेडी कर लेते हैं। तो हमें उस पर ये स्टेंसिल आर्ट से स्टेंसिल्स बनाने हैं। हमने टेक्सचर पेंट लिया है और ये स्टेंसिल लिया है मार्क के हिसाब से, ताकि सिमेट्री दिखे थोड़ा। हम उस पर इस तरह से टेक्सचर पेंट लगा के उस पर स्टेंसिल आर्ट करेंगे। इस
इस तरह से हम उस पर बनाएंगे, बाकी जगह भी वैसे ही बना लेंगे। अब देखिए ये पूरा टेक्सचर डालकर हमने डिज़ाइन बना लिया। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे। ये जो डिकोपेज किया था ये सूख चुका है बहुत अच्छे से, कहीं से कोई क्रीज नहीं है, कुछ नहीं। देखिए अब ये साइड्स हमें सैंड पेपर के हेल्प से कट करने हैं, तो धीरे धीरे, और ये सूखने के बाद ही करना है इस तरह से, बहुत अच्छे से ये निकल जाएगा साइड का। ये देखिए कितने अच्छे से सब तरफ से ये निकल गया है। कहीं से फिनिशिंग देना है तो हम अभी दे सकते हैं। ये पीस तो हमारा रेडी है, इस पर बस अब हमें वार्निश करना है और अब हम इसको कलर करेंगे। तो मैचिंग ब्लैक कलर से डैबर से करेंगे हम। अभी हम सूखने के लिए रख देंगे। ये दोनों तैयार हैं हमारे, तो हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। ये सूख गया है तो इसको हम थोड़ा सैंड पेपर से हल्का हल्का घिस लेंगे फिनिशिंग देने के लिए। स्मूथ फिनिश होना चाहिए। अब ये हम लोग का रेडी हो गया, अब हम इस पर कलर करेंगे। तो इस पर मैं इस तरह से ग्रीन कलर करना चालू कर दिया है। अब ये हमारा हो गया है फिनिश। अब वार्निश करते हैं सब पे और उनको सील, अपने वर्क को सील करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वार्निश एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है जिससे अपना किया हुआ काम ख़राब नहीं होता और उसमें एक शाइन भी आ जाती है, तो इसलिए अच्छे से वार्निश एक या दो कोट करना चाहिए और हर एक कोट के बीच में उसे सूखने के लिए रखना होता है। आउटर कवरिंग पे भी वार्निश करके हम अपना काम कंप्लीट करेंगे एंड देन क्लॉक को असेंबल करेंगे। अब ये अपना रेडी हो गया है क्लॉक, बस अब इसमें ये डेकोरेशंस कुछ हैं फ्लावर्स, तो आपके पास जो भी फ्लावर्स हो या आप खुद से बना के आपको जैसे डेकोरेट करना है, साइड में कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और अब मैं इनको फिक्स कर दूँगी फेविक्विक से। तो अब ये फाइनल पीस रेडी हो गया है, इसमें ये क्लॉक के हैंड है तो ये मशीन के साथ हम फिट कर सकते हैं इसको। तो ये अपना क्लॉक रेडी हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।